अगर अनुष्का शर्मा के पास हो तो इसमें ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको एडिट करके और कर देना, ठीक है? चलो समझ लो अभी। ओके नाउ, अब आपको क्या करना है कि सेक्स आपका क्या हो गया? फर्स्ट सेक्स आपका पिवट एलिमेंट हो गया, इसी पर आपका आई है। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट जे में आपका, जे आपका कहां से स्टार्ट होता है? आई प्लस वन से लेकर के और क्यू तक स्टार्ट होता है, ठीक है? इसको आई प्लस वन कह लो या पी प्लस वन कह लो, है ना? तो जे बेसिकली आपका आई प्लस वन से क्यू तक चलता है। तो पी आई इज इक्वल टू पी लेने के बाद अगर आप जे इज इक्वल टू आई प्लस वन करते हो लूप के अंदर और इसको क्यू तक लेते हो, लास्ट इंडेक्स तक लेते हो, तो आप ये मेमोराइज भी कर पाओगे कि जे का मतलब है कि वो आई प्लस वन पोजिशन से लास्ट इंडेक्स तक ग्रो करेगा, है ना? ठीक है। और जे प्लस वन से लेके क्यू तक वो एलिमेंट है जो अनप्रोसेस्ड है। तो अभी देखो, अभी हमारे पास में जे जो है वो पहली बार में सेकंड इंडेक्स होगा, दैट इज वन। ओके, तो जे फाइव पर होगा, जे जो है एलिमेंट फाइव को इंडेक्स पॉइंट आउट कर रहा है और आई एलिमेंट सिक्स को इंडेक्स पॉइंट आउट कर रहा है। अब देखो आई में ही पी भी है। अब आपको फाइव को ए आई के साथ में नहीं करना है, कंपेयर किसके साथ करना है? पिवट के साथ। गलती अधिकतर बच्चे ये करते हैं कि ए आई के साथ ए जे को कंपेयर करते हैं। आपको क्या करना है, ए जे को कंपेयर करना है पिवट के साथ में। दैट इज योर फर्स्ट एलिमेंट फॉर होल टाइम, दैट इज वाई वी हैव टेकन पिवट इज इक्वल टू एपी। और हम हमेशा पिवट यूज करते हैं, एपी ना यूज करके हम हमेशा पिवट यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, फाइन? और हमने प्रोग्राम के अंदर उसको एक्स ले रखा है, तो कुछ भी लो, पिवट लो या एक्स लो। सो पिवट को हम कंपेयर कर रहे हैं एजे के संग में। अब देखो हमें एजे पिवट से स्मॉलर मिल गया है, तो हमें जो जे पर जिस एलिमेंट को हमने कंपेयर पॉइंट आउट कर रहे हैं उस पर सर्किल बनाया, और अब हमें दूसरा सर्किल किस पे बनाया है? आई प्लस वन वाले एलिमेंट पे सर्किल बनाना है। अब जो बात अभी खुशबू ने पूछी थी कि सर अगर आई प्लस वन हो जे सेम हो तो यहां पर फॉर्चुनेटली वो दोनों सेम है, तो आई प्लस वन और जे आपको सेम मिले तो आई प्लस वन वाला एलिमेंट जो है उस पर भी सर्किल बनाया, तो दोनों सर्किल इसी एलिमेंट पे बन गए। और अब आप आई प्लस वन को जे के साथ एक्सचेंज करोगे, आई प्लस वन को जे के साथ एक्सचेंज करोगे। तो अगर आप लिखते हो ए ए आई प्लस प्लस, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए जे, तो ये असाइनमेंट के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो यहां पर ए आई इज इक्वल टू ए जे पहले असाइन होगा और आई इंक्रीज बाद में होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर एक नेट और गेट का क्वेश्चन जो जनरली आ जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पर, उसका रीजन तुम्हारा हो रहा है। तो ए आई प्लस प्लस इज इक्वल टू ए जे का मतलब है कि ए आई इज इक्वल टू ए जे एंड सेकेंड स्टेटमेंट आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, और दूसरा काम आप क्या करोगे, जे इज इक्वल टू जे प्लस वन करोगे। तो जे इज इक्वल टू जे प्लस वन आपका फॉर्चुनेटली फॉर लूप से हो रहा है। अगर आप व्हाइल लूप यूज कर रहे होते तो आपको स्पेशली जे इज इक्वल टू जे प्लस वन करना होता। तो व्हाइल लूप से जब आप क्विक सॉर्ट को पढ़ोगे तो वो ज्यादा कहना चाहिए कि आपकी सिमुलेशन फ्रेंडली होगी, ठीक है? क्योंकि व्हाइल लूप में जब आप करोगे और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किए बिना अगर आप करोगे तो भी वो ज्यादा फ्रेंडली होगी, क्योंकि मैन्युअली भी आप ऐसे ही करते हो। तो मेरा ये कहना है स्टार्टिंग में आप व्हाइल लूप यूज करो और अंदर ए आई इज इक्वल ए आई प्लस वन इज इक्वल टू ए जे करो। ओके, ए आई प्लस वन इज इक्वल टू ए जे करो और आई इज इक्वल टू आई प्लस वन करो और जे इज इक्वल टू जे प्लस वन करो जब भी स्मॉलर एलिमेंट मिले। तो पहली बार में फाइव स्मॉलर मिला, दोनों बार वही एन सर्किल हुआ, और अब आई फाइव पर है और जे थ्री पर है। अब आपको देखना है क्या थ्री पिवट से स्मॉलर है क्या, तो थ्री को फाइव से कंपेयर नहीं करना, सिक्स से कंपेयर करना है।
पिवट के अंदर सिक्स है, थ्री से स्मॉलर है तो इस पर एंड सर्किल होगा, इस पर वापस गोला करो। दूसरा आई प्लस वन एलिमेंट पर गोला करो, तो आई अभी कहां पर है, फाइव पर है, तो आई प्लस वन पे गोला करने का मतलब क्या, थ्री पर ही वापस गोला होगा, तो थ्री थ्री के साथ एक्सचेंज होगा और जे एक से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आई आपका थ्री पर है और जे थर्टीन पर है। अब देखो, अब असली कहानी ग्रेटर वाली साइड पर आती है, जो एल्स पार्ट है, कि अब आपका जे थर्टीन पर है और आई किस पर है, थ्री पर, तो आपको थर्टीन ग्रेटर मिला है, तो ग्रेटर मिला है तो सिंपली कोई गोला नहीं बनाना, कहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ जे को इंक्रीज करना है। तो जे को इंक्रीज करके किस पे ले गए, नेक्स्ट एलिमेंट पे ले गए। अब जे एट को पॉइंट आउट कर रहा है, तो एलिमेंट एट जो है पिवट सिक्स से क्या है, ग्रेटर है, तो वापस ये नेक्स्ट जे जो है इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट लेने के लिए। तो जे की पोजीशन कहां हो गई, टेन पर हो गई। तो टेन जो है क्या सिक्स से ग्रेटर है या स्मॉलर है, ग्रेटर है। ग्रेटर होने पर कोई गोला नहीं करना है, कोई एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वापस जे इंक्रीज हो गया। अब जे किस पे पहुंच गया, जे फाइनली आपका पहुंच गया टू के ऊपर। जे किस पे पहुंच गया, जब जे टू पर पहुंचा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो देखो जब जे टू पर पहुंचा तो आपका एजे स्मॉलर देन इक्वल टू पिवट मिल गया, एजे स्मॉलर देन इक्वल टू पिवट मिल गया, तो आप इसको गोला करोगे जे की पोजीशन वाले एलिमेंट पर। और आपका आई कहां था, आई था थ्री पर, तो आई प्लस वन वाली पोजीशन का एलिमेंट पर गोला करोगे, क्योंकि आपको स्मॉलर एलिमेंट को तो कहां ले जाना है, लेफ्ट सब एरे का पार्ट बनाना है। ठीक है, और आई प्लस वन डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली जो है आपके जो एलिमेंट आपको मिला है, ठीक है ना, या तो उसके उस वही एलिमेंट सेम होगा, ठीक है, या उससे ग्रेटर होगा। तो वो एलिमेंट सेम होने की कंडीशन तो क्या होती है, I प्लस वन और J इक्वल होता। ठीक है, तो यहां पर I प्लस वन और J का एलिमेंट एक्सचेंज होंगे, तो 13 तो 2 पर चला जाएगा, 2 कहां पर आ जाएगा, I प्लस वन पोजिशन पर। ठीक है, तो अब I की पोजिशन आपकी कहां पर होगी, 2 पर होगी, और 13 वहां पहुंचकर J इंक्रीज हो जाएगा। फाइन, तो इस तरह से जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो फिर 11 आपको मिलेगा। 11 क्या है, वापस ग्रेटर है। जब 11 आपका वापस ग्रेटर है तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई गोला नहीं बनेगा, कोई एक्सचेंज नहीं होगा, जे इंक्रीज हो जाएगा। अब जे इंक्रीज होकर के जहां पहुंच गया है, वहां वाइल लूप या फॉर लूप जो आप लगाओगे, वहां पर कंडीशन चेक होती है कि जे स्मॉलर देन इक्वल टू क्यू होना चाहिए। तो अब क्योंकि जे क्यू इंडेक्स से बाहर हो गया है, तो जे स्मॉलर देन इक्वल टू क्यू नहीं होगा, जे ग्रेटर देन क्यू हो जाएगा, तो वो लूप में नहीं जाएगा और कोई कंपेरिजन नहीं करेगा। जब लूप के बाहर आ जाएगा तो आप देखो थर्ड इंडेक्स की जो सेकंड एलिमेंट आया है, अब उसका एक्सचेंज होगा पिवट एलिमेंट के साथ। तो लूप, पूरे लूप से बाहर आने के बाद में आप फाइनली क्या करोगे, पिवट एलिमेंट को उसकी फाइनल पोजीशन पे ले आओगे। दैट मींस एपी को एआई के साथ एक्सचेंज करोगे, एपी को एआई के साथ एक्सचेंज करोगे और आई को रिटर्न करोगे, इंडेक्स आई को रिटर्न करोगे, और ये जो रिटर्न वैल्यू होगी वो आर में कॉपी हो जाएगी, और फिर ये कॉपी होने के बाद में लेफ्ट सब एरे के लिए आर माइनस वन तक, ठीक है, पी से लेके आर माइनस वन तक लेफ्ट सब एरे के लिए क्विक सॉर्ट को कॉल करेगी, और आर प्लस वन से लास्ट इंडेक्स क्यू तक राइट सब एरे के लिए क्विक सॉर्ट को कॉल करेगी। Are you getting my point? इस तरह से ये इंडेक्स थ्री पर आपका एरे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? सर,
सर जैसे आपने बोला था कि अगर हमारा आई इंडेक्स सॉरी जे इंडेक्स पर अगर हमें स्मॉल एलिमेंट मिलता है तो हमें जे प्लस प्लस भी करना है और उसको एक्सचेंज करना है आई प्लस वन के साथ में। तो सर जब यहाँ पे हम पहले एक्सचेंज करना है, पहले आई प्लस वन वाले एलिमेंट के साथ एक्सचेंज करना है, ठीक है, फिर I का इंडेक्स भी इंक्रीज होना चाहिए और J का इंडेक्स भी इंक्रीज होना चाहिए। तो सर जब हमें यहाँ पे 2 हमें स्मॉलर एलिमेंट मिला था तो हमने I और J को एक्सचेंज कर दिया था तो सर और I भी इंक्रीज हो गया तो सर I तो भी हमारा 13 पे हो गया ना। I हमारा लास्ट में जब J 2 के साथ एक्सचेंज हो गया है तो I हमारा 13 को पॉइंट करेगा। तो 13 वाले को एक्सचेंज किया ना हमने, 13 वाले को एक्सचेंज किया ना हमने, 13 वाले को एक्सचेंज। बेटा यहाँ पर हमने लिख पहले दिया है, प्रिंटेड स्टेटमेंट जो लगाया है ना, प्रिंटेड स्टेटमेंट में हमने लिखने में I इज इक्वल टू I प्लस वन पहले लिख दिया है, ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। क्यों हमने ऐसा किया है क्योंकि हम यहाँ पर AI और AJ को एक्सचेंज करना चाहते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अगर अगर आप AI प्लस वन और AJ को एक्सचेंज करते हो तो I को बाद में इंक्रीज करोगे और आप I को पहले भी इंक्रीज कर सकते हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। पर J को तो एक्सचेंज के बाद ही इंक्रीज करना है, J को पहले इंक्रीज नहीं करना, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। और यहां पर तो हमने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, यही बात तो मैंने आपको समझे, तभी तो मैं बोल रहा था रिकॉर्डिंग कर लेते इसकी, और अगर अनुष्का के पास है तो ले लेना, ठीक है। हमने जो यूज किया है वो एडवांस वर्जन यूज किया है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर विद असाइनमेंट, और वो इसलिए यूज किया है ताकि फिफ्थ सेम के बच्चों को ये पता हो कि गेट और उसमें क्वेश्चन आए तो एक्चुअली ए आई प्लस वन जब अपन करते ए आई प्लस प्लस जब अपन करते हैं ए आई प्लस प्लस इज इक्वल टू ए जे तो ए आई में ए जे पहले आता है और देन आई इंक्रीज होता है। नहीं सॉरी हमें लेकिन I प्लस वन करना है ना, तो हमने A प्लस प्लस I किया होगा, सॉरी देखो हमने जो किया होगा वो A प्लस प्लस I किया होगा। अच्छा तुमने क्वेश्चन इसलिए पूछा, ओके हमने A प्लस प्लस I किया होगा। इधर देखो हमने एक्सचेंज करते वक्त किया है क्या, अगर AJ स्मॉल, अच्छा हमने A प्लस प्लस I नहीं किया, हमने I इज इक्वल टू I प्लस वन किया देन फिर एक्सचेंज किया, देन फिर एक्सचेंज किया है और AJ तो हमारा फॉर लूप में इंक्रीज हो ही रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैं आपको ये कह रहा हूं अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाओगे तो वो केयरफुली लगाना सॉरी उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस आई करना पड़ेगा। अगर आप ए प्लस प्लस आई इज इक्वल टू AJ लिखते हो तो आपका करेक्ट वर्क करेगा कि आपका ए आई प्लस वन वाला एलिमेंट AJ के साथ इंक्रीज होगा, एक्सचेंज होगा, तो मतलब I पहले इंक्रीज होगा देन फिर आपका जो है ए आई के अंदर AJ कॉपी होगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं आपको दोनों बातें एक साथ सिखा रहा हूं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट के साथ कैसे यूज करते हैं, तो उसका ध्यान रखना। अच्छा फॉर्चुनेटली मैंने इधर नहीं किया, जनरली मैं करता हूं जैसे मैंने मर्ज सॉर्ट में किया है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर विद असाइनमेंट यूज करता हूं, जिससे क्या है फिफ्थ सेम के बच्चे खास करके एवरेज स्टूडेंट्स जिनको ये बात नहीं समझ आती उनको मुझे मौका मिले यहाँ पर ये समझाने का, क्योंकि तो उन्हें नहीं समझ आएगा कि ये क्या हुआ, ठीक है। तो तुम्हारे क्वेश्चन का भी मीनिंग यही है कि तुम्हें ये समझना होगा कि आई प्लस वन पहले होना चाहिए क्योंकि हमें एक्सचेंज करना है आई प्लस वन वाले एलिमेंट के साथ में AJ, ठीक है खुशबू, समझ आ गया? यस सर। ओके तो आई प्लस वन बिल्कुल सही है, कोई प्रिंट एफ में गलती नहीं करी हमने, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन पहले होगा फिर एक्सचेंज होगा ए आई AJ, ठीक है, और फिर आपका J इंक्रीज होगा। इतना याद रख लो जब कभी भी हमें स्मॉलर देन इक्वल टू एलिमेंट मिलेगा तो हमारा आई प्लस वन एलिमेंट के साथ में AJ एक्सचेंज होना चाहिए, वो कैसे भी करो आपकी मर्जी है,
और हमारा आई भी इंक्रीज होगा और जे भी इंक्रीज होगा, फाइन। लेकिन ये इंक्रीमेंट एक ही बार होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आई प्लस वन एलिमेंट लेने के लिए भी आई को इंक्रीज कर दिया था, ठीक है, और फिर आप बाद में भी इंक्रीज कर रहे हो। इंक्रीज एक्चुअली मतलब आपका आई प्लस वन पे आई आ जाना चाहिए, जो आई प्लस वन पे जो एलिमेंट था उसको पॉइंट आउट कर देना करना चाहिए अब आई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि देखो एक्सचेंज तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप एक्सचेंज इस स्टेटमेंट को जो मैं बोल रहा हूँ इसको डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे आपको स्मॉलर एलिमेंट मिला इफ कंडीशन में, इफ इफ एज स्मॉलर देन इक्वल टू पिवट, ठीक है, जैसे ही आपको एज स्मॉलर देन इक्वल टू पिवट मिला तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ए आई प्लस वन इज इक्वल टू एज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप ए आई प्लस वन एजे कर रहे हो, इसलिए अभी आपने आई को इंक्रीज नहीं किया क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं यूज किया। फिर आप आई इज इक्वल टू आई प्लस वन कर सकते हो, जे इज इक्वल टू जे प्लस वन कर सकते हो अगर आपने वाइल लूप लिया है तो। पर अगर फॉर लूप में जे ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है हर बार, ठीक है, तो गलती मत करना कि जे इज इक्वल टू जे प्लस वन करना है हमें कंडीशन के मतलब मिलने के बाद। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां पर आपको लूप भी समझा दिया मैंने, अगर आपका लूप के कॉन्सेप्ट रीब्रश नहीं हुए तो लूप भी समझ लो। फॉर लूप में देखो कोई भी लूप जब आप लगाते हो तो उसमें लूप वेरिएबल्स होते हैं जिनका इनिशियलाइजेशन होता है कि वो कहां से स्टार्ट होंगे, दूसरा होता है कि उनमें कितना इंक्रीमेंट होगा, एक का इंक्रीमेंट होगा कि दो का होगा, और डिक्रीमेंट भी हो सकता है, कितने का डिक्रीमेंट होता है ये डिफाइन करता है सेकेंड चीज किसी भी लूप के लिए, और थर्ड चीज होती है किसी भी लूप के लिए कि वो लूप कहां तक चलना है, वो लूप कहां तक चलना है, किस कंडीशन पर वो टर्मिनेट होना चाहिए। ये तीन चीजें किसी लूप में डिफाइन होती है। तो जब भी आप व्हाइल लूप यूज करते हो तो उसमें सिर्फ लूप कंडीशन कि वो कहां तक चलना है ये डिफाइन होता है, उसका इनिशियलाइजेशन व्हाइल लूप पे हमेशा पहले करना पड़ता है व्हाइल लूप लगाने के, और लूप वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कि कहां से स्टार्ट होगा और कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना है ये लूप के अंदर करना होता है, ये व्हाइल लूप में होता है। लेकिन जब आप फॉर लूप लगा रहे होते हो तो ये तीनों चीजें आप फॉर लूप के जो स्मॉल पैरेंथेसिस है स्मॉल पैरेंथेसिस उनके अंदर ही कर देते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपकी एल्गोरिदम में अगर कोई लूप वेरिएबल को आप यूज कर रहे हो फॉर टेकिंग न्यू एलिमेंट तो आप जे उस लूप वेरिएबल को इंक्रीज नहीं करते, ठीक है ना, लूप के अंदर, लेकिन व्हाइल लूप में आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम में समझना है। सॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिदम में जिन बच्चों को इंडेक्सिंग समझ आ गई ना और जिनको लूप आते हैं, लूप में किस तरह से काम होता है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, उन लोगों के लिए सॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिदम समझना बहुत आसान है। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? सर जब हमारा जे लूप से बाहर चला जाता है तो सर हमको पिवट की जो पोजीशन मिली वो वाला कैसे करा, वो भी पर वापस होता हूँ ना। अच्छा, जे से बाहर चला जाता है, देखो यहां पर देखो मैंने एक पार्टीशन इंडेक्स एट वैल्यू 6 के ऊपर वाली लाइन के ऊपर देखो जहां मैंने गोला किया हुआ है एजे ग्रेटर देन पिवट, ये दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, एजे ग्रेटर देन पिवट दिख रहा है? यस सर। जब जे इज इक्वल टू 7 पर है, हाँ यस सर, जब जे इज इक्वल टू 7 पर है तो एजे में क्या आया आपका 7 पर, एजे है आपका एक्चुअली 11, 11 ग्रेटर देन पिवट है, ठीक है, तो जे इज इक्वल टू जे प्लस वन होगा, तो जे इज इक्वल टू जे प्लस वन अब क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है 8 हो गया, और आपका जो फॉर लूप में कंडीशन चेक हो रही है वो क्या हो रही है, जे स्मॉल देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, क्यू के अंदर क्या है 7 है, 0 से 7 तक चलता है ना, तो क्यू आपका 7 है, तो 8 जो है इज नॉट स्मॉल देन इक्वल टू 7, तो फॉर लूप में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो फॉर लूप का पार्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है।
और फॉर लूप से बाहर आ करके फिर एक्सचेंज होगा पिवट और वो। तो देखो मैं दिखाता हूं आपको कि हमारे पार्टीशन इंडेक्स में ये देखो फॉर लूप के बाहर अपन जब आ जाएंगे, देखो ये फॉर लूप है, इस फॉर लूप में एक इफ कंडीशन एक एल्स कंडीशन है, ये बाहर आने के बाद में फिर हमने एक्सचेंज वापस किया है एक बार, एक्सचेंज पिवट एंड एआई किया है ना प्रिंट एफ स्टेटमेंट में, देखो एक्सचेंज पिवट एंड एआई, और उसमें हमने क्या किया है जो जो पिवट है एपी पोजीशन पर उसको हमने एक्सचेंज किया है एआई के थ्रू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एपी पोजीशन पे तो एआई आ जाएगा, एआई पर आपका क्या आ जाना चाहिए पिवट आ जाएगा, तो एआई पर आपका पिवट आ गया और फिर रिटर्न आई किया है हमने। देखो क्या किया है रिटर्न आई, मतलब कि ये पार्टीशन इंडेक्स है हमारा, ये समझ आ रहा है सबको? तो हमने जो पिवट वाला एलिमेंट एक्सचेंज किया है वो लूप से बाहर निकलने के बाद किया है, तो यहां पे देखो बिल्कुल ऐसे ही किया है। जैसे जे ग्रेटर देन क्यू हुआ, मतलब कि जे स्मॉल देन इक्वल टू क्यू वाली कंडीशन फॉल्स हुई फॉर लूप में, तो वो बाहर आ गया। अब हमें क्या करना है, एक्सचेंज पिवट ए जीरो इज इक्वल टू सिक्स एंड ए आई इज इक्वल टू टू, अब हमें सिक्स और टू को एक्सचेंज करना है, तो पिवट को अपनी फाइनल पोजीशन यहां पर मिल रही है, आर इज इक्वल टू थ्री एज पार्टीशन इंडेक्स एट वैल्यू सिक्स। ओके, तो पार्टीशन इंडेक्स थ्री पर वैल्यू सिक्स जो कि पिवट की वैल्यू है वो हमें फाइनली मिल गई, और अब हमारा जो किक शॉट है वो लेफ्ट सब एरे के लिए कॉल हो रहा है। देख लो लेफ्ट सब एरे के लिए p इज इक्वल टू जीरो एंड q इज इक्वल टू टू, दैट इज r माइनस वन, दैट इज थ्री माइनस वन के लिए कॉल हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ये हमारा अब लेफ्ट सब एरे आया और उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है यहां पर 253। ठीक है, अब ये 253 के लिए कॉल हुआ और ये पूरा का पूरा करेगा। आपका राइट सब एरे जो है उस पर जो क्विक शॉट है वो अभी स्टैक में चला गया है। ठीक है, स्टैक में चला गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सो हाँ तो मैं तो बोल ही रहा था, तुम क्वेरी पूछ रहे हो इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अटेंडेंस ले ली क्या मैंने? नो सर। अटेंडेंस ले लो। अटेंडेंस के पास रिकॉर्डिंग सेव हो गई है। सेव हो गई है, ओके वेरी गुड। अब उसको बोलना वो डांटने वाला पार्ट एडिट कर दे। नहीं चलो अच्छा है, वो डांट होनी चाहिए क्योंकि वो है ना उससे पता लगेगा कि वो सो जाती है रिकॉर्डिंग ऑन करके। अरे यार अच्छा, वन सेकेंड, ये आकांक्षा सिंह से लेके अवनी शर्मा तक सारे अटेंडेंस हो गई, देन फिर आयुषी किरमानी से लेके इशिता तक हो गए, फिर एक सेकेंड इशिता से लेकर के मनीषा मीना तक आ गए। यस मैम। अच्छा आपकी क्लास है क्या? अरे तो ये क्वेरी पूछे जा रहे हैं, बताई नहीं कि नेक्स्ट क्लास है। हाँ ठीक है, ओके।